This channel does not support or encourage any illegal activity. All the content in this video is meant for educational purpose only. Thank you. तो भाई लोग, ये जो YouTube है ना, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें बस आम जनता की ही बात सुनी जाती है। और आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला हूँ हमारे भारत माता की आज़ादी के बारे में। मैंने बहुत सारी रिसर्च की और अंत में एक नतीजा निकाला कि हम लोग को बस अंधेरे में रखा गया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं हमारी भारत माता की आज़ादी की सच्चाई, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आप सब लोगों को तो पता है कि हम जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, उस टाइम पर दो टाइप के प्रोटेस्ट चल रहे थे, एक था हिंसावादी और एक था अहिंसावादी। अब जो हिंसावादी लोग थे, उन्हें देश के हर एक कोने से छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उभर आ रहे थे, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ थे हमारे बंगाल के सुभाष चंद्र बोस। वो भी पहले कांग्रेस के एक मेंबर थे, साथ ही साथ वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, पर बाद में जब उन्हें पता चला कि ऐसे बैठे बैठे आज़ादी की भीख मांगने से कुछ नहीं होने वाला है, तब उन्होंने ठान लिए कि वे एक कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे और अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी होने वाला है। और उन्होंने वो कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और उसका नाम दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अब ब्रिटिश सरकार तो पहले से उन पर बहुत गुस्सा थे और एक तरह का डर भी उनके ऊपर काम कर रहा था सुभाष चंद्र बोस को लेकर। तो ऐसे ही बिना कारण उन्होंने बहुत बार सुभाष चंद्र बोस को जेल में बंद कर दिया, पर घायल शेर तो और भी भयंकर होता है, और उन्होंने वहाँ पर ही भूख हड़ताल शुरू कर दिया। और लास्ट में तो उन्हें घर में हाउस अरेस्ट की सजा सुना दी गई थी। वो तो थोड़ी ना चूड़ियाँ पहन के घर में बैठे रहने वालों में से थे वो। ब्रिटिश सरकार तो आराम से रात में नाक में तेल घुसा के सो रही थी खड़ाटे मार के, और सुभाष चंद्र बोस उनके नाक के नीचे से चले गए, सीधा जर्मनी चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने पहले वर्ल्ड वार टू के सारे ब्रिटिश इंडियंस सोल्जर्स को इकट्ठा किया, साथ ही साथ उन्हें ट्रेन किया, वहाँ पर युद्ध कला सीखी, और साथ ही साथ और भी सारे 9 देशों के साथ अपना अलायंस क्रिएट किया, जो कि वर्ल्ड वार टू के ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। उन देशों में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, चाइना, जर्मनी और भी बहुत सारे देश थे। उन्हें पता चल गया था कि लोहा गर्म है और अभी हथौड़ा मारना चाहिए, इसलिए वो आज़ाद हिंद फौज को, तभी अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिरा दिए, जापान ने सरेंडर कर दिया। फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं थे, और वो फिर भी नॉर्थ ईस्ट साइड में, जो हमारा आसाम मणिपुर वो वाला साइड है ना, वहाँ पर युद्ध करने गए। वहाँ पर युद्ध करने के साथ साथ उन साइड्स को फ्री किया, बहुत बार उन्होंने वहाँ पर युद्ध हुआ ब्रिटिश और आज़ाद हिंद फौज के साथ। ब्रिटिश तो इनफाइनाइट थे, क्योंकि उनके पास दोनों देशों का कुल पॉपुलेशन था, जैसे उस टाइम पे भारत और साथ ही साथ ब्रिटिश का, दोनों का पॉपुलेशन था, इसलिए वो ज़्यादा थे। और आज़ाद हिंद फौज कम होकर भी बहुत दिन तक वहाँ पर टिके रहे, और लास्ट में अंतिम में जब वो बहुत कमज़ोर हो गए और लास्ट में हार। अभी यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती, अभी भी तो क्लाइमैक्स बाकी है। सन 945 में जब वे आज़ाद हिंद फौज के हारने के बाद सुभाष जी अपने आज़ाद हिंद रेडियो चैनल पर लाइव आए थे, और उस दिन उन्होंने कहा था कि आज़ाद हिंद फौज वाकई हार गया हो, लेकिन हम सब के अंदर एक आज़ाद हिंद फौज का सीना है। हर देश, हर लड़का लड़की, हर जवान बूढ़े, सब में एक आज़ाद हिंद फौज का फौजी है, बस उसे जगाना पड़ेगा। हाथ में जो आए उसे हथियार बनाओ और ब्रिटिश सरकार को घिरा डालो। ये बात सुन के जो
सुभाष चंद्र बोस के सपोर्टर थे उस टाइम पर, वो सारे जाग गए। और साथ ही साथ गांधी जी के फॉलोअर्स ज्यादा होंगे तो क्या हुआ, लेकिन गांधी जी के फॉलोअर्स वर्स बैठ बैठ के क्या बोले और भीख मांग रहे थे आजादी का। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर वहां पर गए, ब्रिटिशर्स पर हमला किया, हमला करते रहे लगातार, और इसी डर से धीरे धीरे उनका फॉलोअर बहुत फॉलोअर फॉलोइंग बहुत बढ़ रहा था सुभाष चंद्र बोस का। इसी डर से ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के चले गए, ना कि वो डंडा लेके दौड़ने के वजह से। समझ में आया आप लोगों को? तो मेन कहानी क्या था, जो चोर थे उनके लिए सिर्फ डंडा ही काम आता है, ना कि जो चोर थे उसको बोलेंगे हाँ हाँ मत करो मत करो, जितना पैसा लूट लिया अब चलो भागते हैं। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये बाद में भी हो सकता है। और इस वीडियो को जरूर शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें लोगों को अंधेरे से बाहर निकालना है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।